पर ये आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, जिस फील्ड में जाते हैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। ये एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, नेक दिल पॉलिटिशियन भी हैं, और सबसे पहले बहुत ही मजेदार इंसान है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर परेश रावल साहब। लबों पे तारीफ और सर पे जीत का ताज होता है। वाह, आप जैसा अभिनेता सदा वक्त का सरताज होता है। आपकी मौजूदगी से चमकता है ये बॉलीवुड। अरे ऐसा फनकार बना के तो खुदा को भी खुद पे नाज होता है। वाह क्या बात है सर, वेलकम एक अपनी तरफ से भी मैं सुना दूं। जी जी सर, अरे प्लीज प्लीज प्लीज, एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं, एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं। ये वो ऑलराउंडर है जो अपना सिक्का जमा के बैठे हैं। हम तो आए थे दिल्ली आपसे मिलने के लिए, पर जनाब आप तो पंजाब पे जाके बैठे हैं। मजा जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, थैंक यू सर, थैंक यू, राजमान भाई। सर सबसे पहले तो आपकी बड़ी शानदार मूवी आ रही गेस्ट इन लंदन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। परेश सर के निभाए हुए किरदारों की बात करें तो मेरे ख्याल से ये पूरी रात निकल जाए। एक तरफ बाबू राव का रोल, एक तरफ सरदार पटेल साहब का रोल, एक तरफ कांजी भाई का रोल, एक तरफ गुंडिया बाऊ, इतने सारे वेरिएशन, इतनी बड़ी जर्नी, नेशनल अवार्ड, फिर पॉलिटिशियन है, पद्मश्री। सर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आपने कभी सोचा था कि विपक्ष के नेता भी आपके लिए शेर कहेंगे? बड़ा शरारती है बंदा यार तू। नहीं, मैं तो उनको विपक्ष में मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तो उनकी बातों का और उनके जो शेर शायरी का बड़ा फैन हूँ। अरे सर, और जब क्रिकेट खेलते तब से बड़ा फैन हूँ, और जो कुछ कदम आपने उठाए थे उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन। थैंक यू। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई आपका को एक्टर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार तुमने ये सीन बड़ा अच्छा किया, तुमने ये फिल्म बड़ी अच्छी की। संसद में जब आप होते हैं तो कभी पार्लियामेंट से बाहर आके एक किसी विपक्ष वाले नेता को बोला कि यार किसी को बताना मत लेकिन तुमने मुद्दा अच्छा उठाया था? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, अप्रिशिएट की बात होती रहती है। अच्छा, और कभी विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि भैया ये मुद्दा उठाना भी मत। अच्छा, ऐसे भी बोल देते हैं? ऐसे भी बोल। पाजी पहले एक जमाना होता था कि आप अगर कुछ बयान देते हैं बींग ए एक्टर या बींग ए पॉलिटिशियन तो बाद में कुछ ना कुछ अगर उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता था तो आप बोल सकते थे कि यार मैंने ऐसा कहा नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन आजकल आप अपने हाथों से टाइप करके सोशल नेटवर्किंग पे लिख देते हैं जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहे उससे बाद में आप पलट भी नहीं सकते। सर ये चीज अच्छी है कि बुरी है, आपको क्या लगता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लोग तो प्रतिक्रिया करते हैं, तू तो टैक्स भी बता देता है कितना भरता है। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। पर सर फिल्मों में एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलने वाले बढ़िया खूबसूरत अभिनेता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं। सर आपको मजा ज्यादा कहाँ पे आता है, फिल्मों में काम करके या पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहां पे जो डायलॉग बाजी होती है, वाह वाह वाह। अच्छा पर पाजी मैंने एक चीज तो देखी है। हाँ, क्या? चाहे आपका उदाहरण ले लूं, चाहे परेश सर का ले लूं, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ले लूं, या हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है और हम लोग देखते सुनते भी रहते हैं। सर वैसे तो मोदी साहब खैर उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है पूरे देश की, पर जब कभी आप आपस में मुलाकात करते हैं तब वो कुछ चुटकुले वगैरह कभी आपको बोलते हैं कि परेश भाई को हेरा फेरी का डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं? नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं भैया।
भाजी गेस्ट इन लंदन में परेश सर का एक डायलॉग है कि बुजुर्गों का जो पाद होता है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है. मतलब फिर तो अगर वो आशीर्वाद होता है तो फिर वो खुशबूदार होता है. मैं तो हैरान हो रहा था कि परेश सर आप पावर में क्या आए, आपने आशीर्वाद की परिभाषा ही बदल दी. सर ऐसा कभी, मतलब अभी फिर अगेन एक सवाल आ गया क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संसद में किसी ने आशीर्वाद दे दिया? आवाज तो नहीं सुनाई दी. ओह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है, तो मैं आपके सामने कुछ फिल्मों के नाम लूंगा, टाइटल आपको बताना कि वो किस नेता को सूट करते हैं. खामोशी, मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब. क्या बोल रहे. ओके, बड़े दिल वाला. मैं बताऊं बड़े दिल वाला, अटल बिहारी वाजपेयी. वाह, अंदाज अपना अपना. अंदाज अपना अपना. सिद्धू साहब. ओ मरवा दिया. ये के सिद्धू साहब कैसे? हर जगह. ये तो है. एक था टाइगर. एक था टाइगर की एक है टाइगर. एक है टाइगर. चलो मोदी साहब. नायक. आई थिंक मोदी साहब दो रोल कर सकते हैं ना. बिल्कुल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिरंगी. सर आपको पता है, आपके पिक्चर आ रही है ना फिरंगी. आपको भी पता सर. सर आई लव यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. अब वक्त है फिल्म गेस्ट इन लंदन के चार्मिंग हीरो को यहाँ पर बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. जोरदार तालियां एक बार कार्तिक के लिए. अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है. कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए. प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. आइए. अच्छा, गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं, ये बड़े परेशान होते हैं उनसे. कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन इंटरनेशनल गेस्ट. वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है. आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था. फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था. एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, क्योंकि उसमें इनको एक कार में मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं. ये अचानक से पाद देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसके कोई नोटिस तो देता नहीं है. एक महीने पहले तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसीट भी देता नहीं. वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच. अच्छा. तो वैसा मोमेंट. लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ हुआ लगा. पाजी हमारे साथ परेश सर हैं, कार्तिक हैं, ये दोनों मंच पे हैं लेकिन अपनी अपनी ऑन स्क्रीन बेटर हाफ के बिना थोड़ा थोड़ा अधूरा लग रहे हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म की बेहतरीन फीमेल कास्ट, वेरी टैलेंटेड तन्वी आजमी जी और वेरी ब्यूटीफुल कृति खरबंदा. जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया. कृति आपको पंजाबी कैसे आती है? क्योंकि मैं पंजाबन हूँ. खरबंदा क्या होता है? हाँ खरबंदा पंजाबी होते हैं. बड़ा मजा आएगा आज तो. बहुत ज़्यादा.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.